हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? चलिए कुछ नया बनाते हैं। आज हम पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने अमूल का पनीर लिया है, उसके हम छोटे स्लाइस बनाएंगे। फिर उसको हम मैरिनेट करेंगे ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। मैरिनेट करने के बाद हम उसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट करने देंगे। तो चलिए, हमने स्लाइस बना ली है पनीर की। हमने स्क्वायर टाइप के पनीर को काट लिया है। उसके बड़े बड़े पीसीस बनाए हैं। अब हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम उसमें मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और उसमें 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे इसमें। हमने दही डाला है 2 से 3 चम्मच। अब हम उसको मिक्स करेंगे। अब हम उसको 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट करके रेस्ट करने रख देंगे। चलिए, अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। उसमें हमने धनिया, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और जीरा लिया है, लंबी स्लाइस वाला कैप्सिकम, ऑनियन की पेस्ट, टोमेटो की पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया और नमक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल गरम करेंगे। चार से पांच चम्मच हमने तेल लिया है। तेल गरम हो जाए फिर हम उसमें जीरा डालेंगे। हमने आधी चम्मच जीरा लिया है। जीरा क्रैकल हो जाए फिर उसमें गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। हमारा जीरा क्रैकल हो गया है। हमने उसमें गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डाली है, वो अच्छे से भून लेंगे। जब तक भून जाए हम अच्छे से चलाते रहेंगे। हमारी गार्लिक और जिंजर की पेस्ट अच्छे से भून गई है। अब हम उसमें ऑनियन की पेस्ट डालेंगे। हमने 3 बड़े ऑनियन लिए हैं, उसकी पेस्ट बनाई है। वो अच्छे से भून न जाए तब तक हम उसे चलाते रहेंगे।
जब तक उसमें ऑयल ना दिखे तब तक हम उसको चलाते रहेंगे। अब हम उसमें लंबी कटी हुई कैप्सिकम डालेंगे, हमने आधी कैप्सिकम ली है। हमारी पेस्ट अच्छे से भुन गई है, अब हम उसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हमने 4 टमाटर की प्यूरी ली है, वो अच्छे से भून जाए तब तक हम उसे हिलाते रहेंगे। ये ग्रेवी रेडी हो तब तक हम मैरिनेट किए हुए पनीर को सौते करेंगे। इसके लिए हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है और 1 बड़ा चम्मच घी लिया है। ऑयल गरम हो जाए अब हम मैरिनेट किए हुए पनीर को उसमें डालेंगे। ये ब्राउन कलर के हो जाए तब तक हम उसको चलाते रहेंगे। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड पलटेंगे। हमने सारे पनीर मैरिनेट किए हुए उस कढ़ाई में डाल दिए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है पनीर का। मैरिनेट किए हुए पनीर का टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, आप भी ट्राई करिएगा। अब ये मैरिनेट किए हुए ग्रेवी बाकी है, अब हम सब्जी में डाल देंगे बाद में। ये एक साइड से हो जाए तब हम उसको पलट देंगे सारे पनीर को। हमारी ग्रेवी भी बननी तैयार हो गई है। इसकी खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही है अभी। अब हम उसको ढक के रख देंगे जब तक हमारी ग्रेवी बन ना जाए। अब ये मैरिनेट किया हुई ग्रेवी भी हम उस सब्जी में डाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है उसका। अब हमने वो पनीर तले थे वो भी डाल दिए हैं। उसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। अब हम उस सबको मिला देंगे। हमें कितनी थिकनेस चाहिए उतना हम पानी डालेंगे ग्रेवी में।
देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। हमने मिर्च पाउडर भी डाला है उसमें। हमारा पनीर टिक्का मसाला बनके रेडी हो गया है। हम उसमें नमक और थोड़ी सी शुगर भी डालेंगे ताकि टमेटो की ग्रेवी और मसाला बैलेंस हो जाए। आधी चम्मच शुगर डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हमारा पनीर टिक्का मसाला बनकर रेडी हो गया है। हम अब उसको धनिया डालकर सर्व करेंगे।